हेलो दोस्तों, माय नेम इज विशाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नो। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल एंड टाइम सेविंग शॉर्टकट की के बारे में। दोस्तों मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्टकट की के बारे में वीडियो बना रखा है। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा, आप दोस्तों वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। अगर मैंने यहाँ पे एक डाटा ले रखा है, अगर इस डाटा में से अगर आपको कोई अगर एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है, जैसे कि हिंदी के आगे कोई एक कॉलम ऐड करना है या फिजिक्स के आगे कोई एक कॉलम ऐड करना है, तो आप क्या ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया हिंदी के आगे। अगर दोस्तों आप ऐसे ही अगर आप फिजिक्स के आगे कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो फिजिक्स वाले कॉलम को करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। देखिए दोस्तों फिजिक्स के आगे एक कॉलम ऐड हो गया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस माइनस। दोस्तों मैंने वो सेम टू सेम एक डाटा ले रखा है, अगर इस डाटा में से अगर जैसे कि आपको फिजिक्स वाला कॉलम डिलीट करना है या केमिस्ट्री का कोई डिलीट करना है या हिंदी का डिलीट करना है, तो आप यहाँ दोस्तों करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ माइनस। देखिए दोस्तों हिंदी का डिलीट हो गया। ऐसे ही अगर दोस्तों आपको फिजिक्स का डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे माइनस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की। दोस्तों इस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है सिलेक्शन के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने जो है बहुत सारे वैल्यू ले रखा है, अगर इस वैल्यू को मुझे जोड़ना है तो सिंपली क्या लगेंगे सम फार्मूला इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्या करते हैं हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे आपका डाटा तो बहुत बड़ा है, ठीक है, आपको सिलेक्शन में क्या होगा प्रॉब्लम होगा। ऐसे दोस्तों अगर बहुत बड़ा डाटा होगा तो आपको क्या होगा वहाँ पे सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा, तो आपको करना क्या है किसी एक को कर लेना है सेलेक्ट, सबसे नीचे वाले को कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की। देखिए दोस्तों मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की। दोस्तों ये शॉर्टकट की प्रेस करते ही आपका डाटा वहाँ तक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक आपका डाटा है। उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट क्लोज करने के बाद प्रेस करना है एंटर। देखिए दोस्तों पूरे का जो है सम यहाँ पे निकल गया। इसी प्रकार दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की। यहाँ दोस्तों मैं क्या वही सेम टू सेम लगा देता हूँ इक्वल टू सम, उसके बाद क्या करता हूँ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद दोस्तों किसी एक को करना है सेलेक्ट, जैसे हम पिछले वाले शॉर्टकट की में किए थे, करना है सेलेक्ट, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, ठीक है। इस बार लेफ्ट का क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा डाटा क्या है लेफ्ट में है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट करना है क्लोज, प्रेस करना है एंटर। देखिए दोस्तों इसका जो है पूरा यहाँ पे इसका दोस्तों सम आ गया। उसके बाद क्या करना है लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देना है। देखिए दोस्तों ऑटो फिल हो गया। हमारा दोस्तों नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डी। यहाँ पर अगर दोस्तों मैं सम फार्मूला अगर लगाऊँ यहाँ पे इक्वल टू सम, उसके बाद क्या करना है इसको पूरे करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगर दोस्तों मुझे क्या करना है यहाँ पे इस पूरे को फिल करना है, पूरे का ऑटो फिल यहाँ पे डाटा करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करें या तो पूरे को करेंगे सेलेक्ट। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद ये शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे कंट्रोल के साथ डी। देखिए दोस्तों ऑटो फिल हो जाएगा। डी मतलब होता है दोस्तों डाउन, ठीक है, आपके डाउन का मतलब जितने भी सेल हैं सब जो है वैल्यू द्वारा ऑटो फिल हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर। यहाँ दोस्तों क्या हो रहा था, जैसे कि डाटा आपका क्या था डाउन में था, इसलिए यहाँ पे हम प्रेस कर रहे थे कंट्रोल डी, लेकिन यहाँ पे क्या है डाटा आपका राइट में है, ऐसे राइट में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे पूरे करेंगे सेलेक्ट, एक बार सम फार्मूला ऐसे लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया टोटल में। फिर उसके बाद आपका मतलब फिल जो करना है यहाँ पे डाटा को क्या करना है राइट में फिल करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल डी काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ आर। देखिए दोस्तों ऑटो फिल हो गया। आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो यहाँ पे पूरा डाटा जो फिल करना है, मतलब जो आपको वैल्यू यहाँ पे ऑटो फिल करना है, वे आपका राइट में करना है कि डाउन में करना है। वैसे दोस्तों अधिकतर होता है डाउन में, लेकिन कभी कभी जो है आपको राइट में अगर आ जाए तो आपको ये शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल के साथ आर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है एल्ट। एल्ट क्या होता है दोस्तों, अगर आपको जैसे कि बिना माउस से आपको जैसे कि इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला जो है कीबोर्ड से अगर सेलेक्ट करने के लिए आप दोस्तों एल्ट फार्मूला का यूज करेंगे, आपको क्या करना है सिंपली प्रेस कर देना है एल्ट। उसके बाद दोस्तों देखिए आपके यहाँ पे रिबन में देखिए दोस्तों शो हो रहा है, जैसे पेज लेआउट के ऑप्शन के लिए शो हो रहा है पी, फार्मूला के लिए शो हो रहा है एम, ऐसे दोस्तों होम के लिए शो हो रहा है एच, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर दोस्तों आपको इंसर्ट में जाना है तो आप क्या प्रेस करेंगे एन, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे इंसर्ट में जाना है तो क्या फिर प्रेस करता हूँ एल्ट। उसके बाद दोस्तों आपको इंसर्ट में जाना क्या प्रेस करेंगे एन,
फिर दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा है पिक्चर, पिक्चर में जाना है तो आपको क्या प्रेस करना है दोस्तों, पिक्चर में जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, पी, उसके बाद प्रेस कर देता हूँ पी, यहाँ पर दोस्तों पिक्चर खुल जाएगा, आप कोई भी पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं ऐसे दोस्तों सेम है। फिर अगर दोस्तों आप प्रेस करेंगे एल्ट, अगर दोस्तों आपको पेज लेआउट में जाना है तो प्रेस करेंगे पी, फार्मूला में जाना है प्रेस करेंगे एम, आपको मतलब कि विदाउट माउस आप दोस्तों कीबोर्ड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों होम में जाना है प्रेस करेंगे एच, जैसे मैं प्रेस कर देता हूँ एच। फिर दोस्तों होम में अगर दोस्तों आपको मर्ज करना है कोई डाटा प्रेस करेंगे एम, यहाँ दोस्तों क्या होता है मतलब कीबोर्ड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो माउस का बिना यूज से आप कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F3। जैसे दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं अगर इस टोटल का पूरा मैक्सिमम निकालूं, मतलब मैक्सिमम फार्मूला से कि इसमें जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो आप क्या करते हैं सिंपली करते हैं इक्वल टू, फिर आप क्या करते हैं लगाते हैं मैक्स, फिर करते हैं ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर क्या करते हैं इसको करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों ये शॉर्ट मतलब ये शॉर्टकट की सहायता से क्या होता है, आप दोस्तों क्या है आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती है, आप जो यहाँ पर केवल नाम टाइप कर देंगे, जैसे कि टोटल टाइप कर देंगे यहाँ पे जो ऑटोमेटिक उसका मैक्सिमम निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कितना से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर है 295, तो आपको करना क्या है पहले करना है सेलेक्ट, ये शॉर्टकट की दोस्तों यूज समझते हैं, पहले करना है सेलेक्ट। ऐसे मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट टोटल को, किसी को दोस्तों आप कर सकते हैं मैथ का कर सकते हैं इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपको किसी को करेंगे टोटल को मान लीजिए मैं कर ले रहा हूँ। उसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन शो रहा है न्यू, न्यू पे करेंगे क्लिक, उसके बाद कर देंगे ओके, उसके बाद दोस्तों करेंगे क्लोज। देखिए दोस्तों ये टोटल का जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है, अब दोस्तों क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू मैक्स, उसके बाद दोस्तों आप क्या करना है इसको सेलेक्ट नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर देंगे क्या टोटल, अब ब्रेकेट करेंगे क्लोज, प्रेस करेंगे एंटर। देखिए दोस्तों तब भी यहाँ पे 295 आ गया। ये दोस्तों आपको जो है ये इसलिए यूज होता है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी दूसरे सीट में चले गए, ठीक है, सीट 9 में या सीट 10 में, तो आपको क्या करना है, या मान लीजिए आप जो है इस पूरे वर्क सीट में किसी भी सीट में अगर आप चले जाएँ, आपको केवल यहाँ पर इसका नाम टाइप कर देना है, मतलब सिलेक्शन के लिए आपको दोस्तों इस सीट में आना नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे इस टोटल का नाम टाइप कर देना है उस फार्मूला के साथ, वहाँ पे जो अगर मैक्सिमम निकालेंगे मैक्सिमम निकल जाएगा, सम निकालेंगे सम निकल जाएगा, केवल आपको यहाँ पे केवल उसका नाम टाइप कर देना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस F3 फार्मूला की सहायता से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। जैसे कि मैं यहाँ दोस्तों टाइप करता हूँ, जैसे मैंने ये डिजिट टाइप कर दिया, अगर इस डिजिट को जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे ये डिजिट टाइप कर दिया, अगर दोस्तों इस डिजिट को मुझे कॉमा के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसको करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमा के फॉर्मेट में आ गया, प्लस दशमलव के बाद 2 जीरो भी आ गए, मतलब किसी को भी मतलब किसी भी डिजिट को बड़े डिजिट को अगर आपको कॉमा के फॉर्मेट में लिखना है तो उसके लिए हम सिंपली प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। ऐसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ये डिजिट, ठीक है, इसको अगर कॉमा के फॉर्मेट लिखना है तो क्या करेंगे, करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। देखिए दोस्तों ये भी कॉमा के फॉर्मेट में आ गया। दोस्तों हमारा लास्ट है कंट्रोल प्लस W। देखिए दोस्तों हम इस वर्कशीट में हम काम कर रहे हैं, अगर इस वर्कशीट से हमें बाहर निकलना है एग्जिट करना है तो सिंपली आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ W। दोस्तों मैं प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है कि अगर आप ये फाइल को सेव करना चाहते हैं यस करेंगे, नहीं करना चाहते नो करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा ये वर्कशीट क्लोज। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आने वाले जितने भी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।